दोस्तों जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ऐसे में दोस्तों इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है इसी बीच इस दोस्तों अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे यहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस को चेतावनी दे डाली है तो दोस्तों वह क्या चेतावनी है जो की अमित शाह ने दी है कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस को जानते हैं इस वीडियो में इसके अलावा उन्होंने रैली के दौरान और कौन कौन से मुद्दे उठाए क्या क्या बातें कही जान लेते हैं इस छोटे दोस्तों वीडियो में दोस्तो वीडियो आगे बढ़े उससे पहले इसको एक छोटा सा लाइक दे दें दरअसल दोस्तों मंत्री अमित शाह ने, ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एल कि नियंत्रण रेखा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से ट्रेड शुरू करवाना चाहता है उसका पैसा आतंकवादियों के मददगारों तक पहुंचेगा और इलाके में फिर से शांति आ जाएगी हालांकि भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी कांग्रेस जेल में बंद, में बंद पत्थरबाजों और आतंकवादी गतिविधियों लिप्त लोगों को छुड़ाना चाहती है ताकि आतंक फिर से फैल सके अमित शाह ने आगे कहा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है की हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूँ की आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस दोगे क्या आप जनता को मूर्ख बना रहे हो क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है इसके बाद अमित शाह ने कहा कि कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले कहते हैं कि हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे क्या आप इससे सहमत हो जिस ऑटोनॉमी की बात में जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया घाटी में चालीस हजार लोग मारे गए थे यह कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे मैं आज कह कर जाता हूं कि कोई भी ताकत ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव हो वाले हैं जब से देश आजाद हुआ है पहली बार दो संविधान नहीं भारत के एक संविधान जिसको कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है उसके अंतर्गत मतदानों ने जा रहा है है पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बैठ एक ही होता है जिसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता चुनकर भेजती है और वो हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी है वही दोस्तों गृह मंत्री ने आगे कहा की यहाँ अफवाह है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है मैं बहुत छोटी उम्र से चुनावी आंकड़े सीख रहा हूँ और मैं आपको यह बता रहा हूँ

तीजे आठ अक्टूबर को आएंगे तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी अपडेट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए साथ इस तरही काम के इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें धन्यवाद